चतुर्थी की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मेरा ये गणेश चतुर्थी का लुक है, तो आज हम लोग देखेंगे कि गणेश चतुर्थी पर इस लुक को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। ओके, तो फर्स्टली मैंने अपना पूरा फेस वॉश करके पूरा फेस और नेक में मॉइस्चराइजर अप्लाई कर ली। ओके, देन द नेक्स्ट स्टेप इज प्राइमर। तो मैं यहाँ पे NYB का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, थोड़ा सा बस हाथ में लेके, बस इतने से। हाँ लग जा, लग अच्छा लग गया। तो थोड़ा सा है ना लेके, बस ऐसे ऐसे करके अपने जहाँ पे ओपन पोर्स या स्वेटिंग की दिक्कतें होती है ना, वहाँ पे अप्लाई करनी है। तो आप ऐसे उसको अप्लाई कर लो, मसाज नहीं करनी है, बस उसको अप्लाई करनी है। प्राइमर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मेकअप बेस, ये आपके फेस को स्वेट होने से बचाता है। ओके, तो मेरा पूरा फेस और नेक पे प्राइमर अप्लाई करना हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन। तो मैं यहाँ पे लेक्मी लिक्विड परफेक्टिंग फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैं ऐसे हाथों के ऊपर अपने पाम पे, हथेली पे मैंने थोड़ा सा लिया है। मैं कोई ब्रश या मेकअप ब्रश या ब्यूटी ब्लेंडर का इस्तेमाल नहीं करूँगी। अब नेक्स्ट स्टेप है एक ट्रिक, जो कि है गुड वाइब्स का रोज हिप सीरम, जो कि एक ग्लो सीरम है। उसको मैं 2-3 ड्रॉप्स अपने फाउंडेशन के साथ में मिक्स करूँगी, मिक्स करने वाली हूँ, जो कि एक अच्छा सा ड्यूई लुक मुझे देगा। मुझे केकी लुक नहीं पसंद है, तो मुझे ड्यूई लुक वाला फाउंडेशन पसंद है, मेकअप लुक पसंद है। तो मैं इसको अच्छे से इसके साथ मिक्स करूँगी अपने उंगलियों से, फिंगर से, और बस उसको डॉट करके अपने पूरा फेस पे लगाना है, फैलाना है, और फिर अपने हाथों से उसको बड़े आराम से, बड़े प्यार से है ना, पूरा फेस में उस फाउंडेशन को ब्लेंड करना है अपनी उंगलियों से और हाथों से। मुझे ना ब्रश से या ब्यूटी ब्लेंडर से करना इतना पसंद नहीं है, उतना अच्छे से आता भी नहीं है। तो मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ मेकअप। तो जो भी हो, तो अच्छे से ना हाथों से उसको पूरे फेस में ब्लेंड करना है अपनी आँखों के ऊपर और गले में। मैं थोड़ा और गले के लिए मैं और थोड़ा सा लूँगी, हाँ, क्योंकि गला का कलर और नेक और फेस का कलर सेम होना बहुत ज़रूरी है मेकअप में। तो गले में मैं थोड़ा सा और लगा दूँगी और अच्छे से फेस और नेक को ब्लेंड कर लूँगी बस अपने हाथों से। और वो सीरम की वजह से मेकअप भी बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। अब मैं अपना कंसीलिंग करूँगी, वही फाउंडेशन लेके थोड़ा सा अपने आँखों के नीचे और मेरी चिन एरिया में, फिर मेरे फोरहेड के साइड में, जहाँ जहाँ पे मुझे थोड़ा सा पिगमेंटेशन है, वहाँ पे मैं कंसीलिंग करूँगी। ये मेरा कंसीलर का काम भी करेगा, उसको अच्छे से बहुत ही आराम से उसको पूरा ब्लेंड करके पूरा फेस का मैं बेस बना लूंगी। ये आप देख सकते हो, हम अपने उंगलियों के सहायता से भी आराम से एक मेकअप बेस क्रिएट कर सकते हैं। तो माय मेकअप बेस इज रेडी, सो मीट यू इन द नेक्स्ट स्टेप। द नेक्स्ट स्टेप इज कॉन्ट्रोलिंग। तो कॉन्ट्रोल के लिए मैं यहाँ पे वेट एंड वाइल्ड का कॉन्ट्रोल पैलेट का यूज़ मैं करूँगी। तो ये शेड मैं यूज़ करूँगी, ब्राउनिश वाला। तो मैं यहाँ पे एक ब्रश की मदद से थोड़ा सा डस्ट करके, एक्स्ट्रा वाला डस्ट करके मैं ऐसे कॉन्ट्रोल करूँगी। कॉन्ट्रोलिंग मुझे बहुत पसंद है, कॉन्ट्रोलिंग आपके फेस को एक शेप देता है। तो मैं ना आज बस चिक्स पे कॉन्ट्रोल कर रही हूँ, मैं चिन एरिया पे कॉन्ट्रोल करना भूल गई। ठीक है, इस तरीके से बड़े आराम आराम से
करने हैं आपको, हड़बड़ी हड़बड़ी नहीं करनी है, बस कान के तरफ से गाल के बीच तक लाना है, पूरे गालों पे नहीं लेके आना है। ओके, वो अपना कंट्रोलिंग हो चुका। अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। कंट्रोलिंग के बाद नेक्स्ट में थोड़ा सा फेस पाउडर जो कि है बेले वोस्ते का, मुझे फेस पाउडर इतना पसंद नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मैं यूज़ कर करूँगी आँखों के नीचे, जो कि थोड़ा सा ऑयलीनेस को कंट्रोल में रखे। आँखों के नीचे वाला जगह बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो अपना काजल या आई मेकअप फैल सकता है। थोड़ा सा मैं गले पे भी यूज़ करूँगी, ठीक है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं। अब मैं करूँगी अपना आईब्रोज, जो कि है मिस क्लेयर्स का ब्लैक शेड में आता है, आईब्रोज में करूँगी। इससे इसका जो स्पूली है, ब्रश है, उससे मैं पहले अपना आईब्रोज को ब्रश करूँगी, एंड देन मैं धीरे धीरे जहाँ पे मेरे आईब्रोज की खाली जगह जो है, बस मैं उसको फिलअप करूँगी, ड्रॉ नहीं करूँगी, बस वो खाली खाली जगह को फिलअप करूँगी। तो मैंने अपना आईब्रोज यहाँ पे कर लिया है। फिर मैं अपना आई शेडो यूज़ करूँगी, जो कि है मार्स का। मैं आज यूज़ कर रही हूँ मार्स का आई शेडो, इसका कलर्स बहुत अच्छा है, छोटे छोटे है पर बहुत अच्छे। तो मैं एक आई ब्रश के मदद से मैं पहले अपना क्रीज लाइन बनाऊंगी, जिसके लिए मैं ये वाला कलर यूज़ कर रही हूँ। हाँ, दिस वन आई विल यूज़ दिस कलर फॉर माई क्रीज लाइन। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके अपना क्रीज लाइन पहले मैं करूँगी। बहुत केयरफुली करना पड़ता है आई मेकअप, मैं अभी तक पूरी तरह सीखी नहीं हूँ, मैं अभी तक सीख ही रही हूँ। तो ये मेरा क्रीज लाइन पूरा हो गया। देन माय नेक्स्ट मिस रोज़ का आई पैलेट मैं यूज़ कर रही हूँ फॉर माय आई लिड्स कलर। मैं अपना आई लिड्स के लिए मिस रोज़ का आई पैलेट का एक गोल्डनिश कलर में यूज़ करूँगी। ये जो गोल्डन कलर है, छोटा सा आई ब्रश के मदद से मैं अपना आईलिड पे इसको धीरे धीरे ऐसे नीचे की तरफ अप्लाई करूँगी। उसको है ना फैलाना नहीं है, बस नीचे ऊपर करके थोड़ा करके अपने जस्ट आईलिड के ऊपर लगाना है। ध्यान रहे क्रीज तक नहीं पहुँचनी चाहिए, क्रीज लाइन तक, क्रीज कलर तक अपना जो आईलिड का कलर है वो नहीं पहुँचनी चाहिए, मतलब मिक्स नहीं होना चाहिए। बाद में एक दूसरा ब्रश के मदद से मैं दोनों को अच्छे से ब्लेंड करूँगी। तो इस तरीके से मैं अपने आईलिड का कलर मैंने लगा लिया है। अब एक वही पुराना वाला ब्रश लेके मैं दोनों कलर को एक साथ में बड़े अच्छे से ब्लेंड करूँगी, ताकि दो कलर नहीं लगे, मतलब दो कलर है पर अच्छे से ब्लेंड हो जाए कलर्स। तो मेरा ब्लेंड हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक ब्राउन कलर का काजल मैंने लिया है, जो कि है नायका का, पर मैंने गलती किया लगाने के, मैं लगा रही हूँ पर मुझे लग रहा है ये सही कलर नहीं है, फिर भी देखते हैं। मैं नीचे लगा रही हूँ, पूरे लाइन पे नहीं, हाफ, फिर भी मुझे लग रहा है ये थोड़ा ठीक नहीं है। ऊपर लगा के देखती हूँ कैसा लगता है। अभी भी मुझे ऐसा फील हो रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है। आई थिंक ब्लैक विल गो वेल विथ इट। यस, लाइन चेंज ब्लैक। तो मैं यहाँ पे लैक्मे का एब्सोल्यूट का आईलाइनर यूज़ कर रही हूँ, जिससे मैं एक विंग वाला आईलाइनर का शेप मैं बनाऊँगी इस तरीके से। हाँ, ब्लैक अच्छा लग रहा है। ओके, तो मैंने अपना दोनों आईज यहाँ पे कर ली हूँ कंप्लीट।
अब मैं ना काजल यूज़ करूँगी, मुझे लगता है काजल के बिना कोई भी ट्रेडिशनल लुक अधूरी है, तो हल्का सा मैं यूज़ करूँगी क्योंकि पहले का ही मेरा ब्राउन वाला लगाया हुआ है जो मैंने गलती की थी, उसके ऊपर ही बस वाटर लाइन को थोड़ा सा ब्लैक लैक्मी आइकॉनिक काजल जो कि मेरा फेवरेट वाला है उसको मैं हल्का सा बस वाटर लाइन में ऊपर नीचे दोनों आइज में मैं लगा रही हूँ, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा, ताकि वो ब्राउन वाला कलर हटके थोड़ा सा ब्लैकिश लुक आ जाए। तो मेरा आइज हो गया पूरा। नेक्स्ट जो लास्ट स्टेप है आइज मेकअप का जो कि है मस्कारा, वो लॉरियल का लैश डिफाइनर मस्कारा है, मुझे बहुत बहुत पसंद है क्योंकि ये आपके आईलैशेस को एकदम से फॉल्स आईलैशेस का लुक प्रोवाइड करता है। तो मैं तो फॉल्स आईलैशेस लगाती भी नहीं और मुझे पसंद भी नहीं है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ये, एकदम से वॉल्यूमनाइज कर देती है आपके आईलैशेस को। तो मेरा आईज मेकअप हो गया कंप्लीट। तो अब नेक्स्ट स्टेप है हाइलाइटिंग, जो कि सबसे पसंदीदा सबसे खूबसूरत चीज़ होता है कोई भी मेकअप का अगर उसको सही तरीके से लगाया जाए। तो मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर स्टिक हाइलाइटर यूज़ करूँगी अपनी उंगलियों के मदद से, वही मुझे ब्रश नहीं पसंद है, तो मैं हल्के हल्के हाथ उंगलियों से मैं धीरे धीरे करके उसको फैलाते फैलाते हुए पूरे दोनों मेरे चिक बोन पे और नोज़ पे मैं हाइलाइटिंग करूँगी। मैं ना इनर आईज पे और ब्रो बोन पे हाइलाइटिंग करना मैं भूल गई, तो वो जगह आप भूलिएगा मत, ज़रूरी है। तो मेरा हाइलाइटिंग हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट स्टेप है लिपस्टिक। तो लिपस्टिक में मैं यहाँ पे शुगर कॉस्मेटिक्स का जो मुझे बहुत पसंद है मैट अटैक का जैपलिन रेड चिली रेड में यूज़ करूँगी, ये कलर बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया। और लिप बम लगाना मुझे याद नहीं था, आप फाउंडेशन के टाइम पे लिप बम ज़रूर अप्लाई करिए, नहीं तो आपके लिप्स ड्राई हो सकते हैं। सो ओके, तो लिपस्टिक मैं यहाँ पे लगा रही हूँ, मैं लिप लाइनर यूज़ नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मैं अपना लिपस्टिक से लाइन करते करते फिलअप भी करती रहती हूँ और अच्छे तरीके से मैं अपना लिप्स पे लगा दी हूँ। और ये देखिए मैंने अपना पूरा लिप्स पे लगा दिया, अब बस साइड के जो लाइन्स है जो एडजस्ट करने हैं वो मैं एडजस्ट कर रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर है, मतलब ये लिपस्टिक बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया वाला लिपस्टिक है, इतना सुंदर रेड है ना कि पूछो मत भैया, बहुत ही बढ़िया है। तो शुगर का है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो मेरा यहाँ पे हो गया है पूरा मेकअप। तो आप मैं अपने ज्वेलरी और हेयर स्टाइल कर करके आई विल बी बैक आफ्टर डूइंग माई ज्वेलरी एंड हेयर स्टाइल। So I am back with the jewelry and hairstyle. So मैंने यहाँ पे यूज़ किया है नथ, जो कि महाराष्ट्रियन नथ जिसको बोलते हैं, द रियल नेम आई डोंट नो, एंड मैंने बिंदी के जगह पे जो महाराष्ट्रियन चंदा मामा जैसे यूज़ करते वैसे मैंने यूज़ लगाया है। सो यू कैन टेक दिस लुक फॉर गणेश चतुर्थी एंड wish you all again a very happy Ganesh Chaturthi. Bye bye.